हाउ टू मेक वेज फ्राइड राइस। वेज फ्राइड राइस बनाना बहुत ही आसान है और आप घर पे इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। खाने में ये बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी लगता है और ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। हेलो, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस। आप बड़ी ही आसानी से घर पे भी फ्राइड राइस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्राइड राइस बनाना। वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मैंने एक कप राइस लिया है बॉइल्ड, जिससे मैंने 1/3 कुक किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अगर आप 1 कप राइस ले रहे हैं, मैं आपको कप दिखा रही हूँ, अगर आपने इस कप के हिसाब से अगर 1 कप राइस लिया है तो आप कम से कम 5-6 कप पानी डालें और राइस को 1/3 कुक करें और आप इस तरह से दबाएं। अगर इस तरीके से राइस पक गया है तो उसको बंद कर दें, ओवर कुक बिल्कुल भी ना करें। और जब आप राइस बना रहे हैं और वो पक गया है तो उसको स्ट्रेन कर लें और स्ट्रेन करने के बाद इसे एक प्लेट में फैला लें अच्छे से। अब हम चलते हैं वेजिस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने गार्लिक लिया है 5-6 जिसको चॉप किया है, जिंजर लिया है 1 इंच, हरी मिर्च ली है 3-4 जिसको स्लिट कर लिया है, गाजर लिया है जिसको लंबा लंबा काटा है, प्याज लिया है इसको भी मैंने लंबे लंबे शेप में काटा है, उसके अलावा मैंने लिया है शिमला मिर्च, इसको भी मैंने लंबे शेप में काटा है, और उसके साथ ही साथ लिया है पत्ता गोभी जिसको भी मैंने सेम शेप में काटा है। उसके बाद चलते हैं मसाले की तरफ। तो सबसे पहले लिया है लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें। और अब हम चलते हैं सॉस की तरफ। तो सबसे पहले यूज़ करेंगे विनेगर, डार्क सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस। तो चलते हैं हम वेज फ्राइड राइस बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। गैस ऑन करके एक कढ़ाई या फिर एक पैन रख दें और इस पैन को हम अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। पैन को आपको काफ़ी अच्छे से गर्म करना है, एकदम हीट कर देना है। तो जब आपको लगे कि आपका जो पैन है वो काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है, तब हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो आप कोई भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ किया है, तो मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और ऑयल डालने के बाद इस ऑयल को हम अच्छी तरीके से इस पैन में स्प्रेड कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से। और अब इस ऑयल को भी हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल को भी हमें काफ़ी अच्छे से गर्म करना है और जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, और इनको हम काफ़ी अच्छे से फ्राई करेंगे। सारी चीज़ें हमें हाई फ्लेम पे ही करनी है, बस आपको ध्यान ये देना है कि ये जले ना। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। और अब डालेंगे इसमें हम गाजर और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद अब हम बाकी की सब्जियां इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम, शिमला मिर्च, और इसको अच्छे से मिलाएंगे इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से पक जाएं, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी अभी। नमक आप हिसाब से डालें, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है, इसलिए मैंने एकदम थोड़ा सा नमक डाला है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से और सब्जियों को हम हल्का सा पकने के लिए छोड़ देंगे। और आप चाहो तो ऐसे टॉस भी कर सकते हो। तो हम इसे हल्का सा पकने के लिए छोड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी सब्जियां हल्की सी पक गई हैं और ये कटने लगी हैं आसानी से। तब इसमें हम डालेंगे कैबेज, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हमेशा लास्ट में डालें और इस तरीके से हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम मिक्स करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, और तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें।
उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद डालेंगे हम काले मिर्च का पाउडर और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से। और अब हम चलते हैं सॉस की तरफ। तो मैं सारे सॉस को एक साथ मिक्स करूँगी। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस लिया है, उसके अलावा डार्क सोया सॉस 1 चम्मच, और अब हम डालेंगे इसमें विनेगर। तो विनेगर मैं 2 चम्मच यूज़ करूँगी, आप चाहो तो 1.5 चम्मच भी यूज़ कर सकते हो। और इन सॉस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहो तो इन सॉस को डायरेक्ट भी आप सब्जियों में डाल सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही कन्वीनियंट होता है। तो अब हम चलते हैं इसको सब्जी में डालने के लिए। जो हमारी वेजीज़ हैं ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं आसानी से कट रहा है। तो अब हम चलते हैं राइस को इसमें डालने के लिए। तो जो हमने 1/3 कुक किया था राइस, वो हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से। और इसको हल्के हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे, ज़्यादा तेज़ मिक्स ना करें वरना ये राइस हमारे टूट जाएंगे। बहुत ही जेंटली इसको मिक्स करें, आप चाहो तो टॉस भी कर सकते हो। तो अब हम डालेंगे इसमें सॉस जो हमने मिक्स किया था। तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच सॉस डालूँगी। अगर आपको कम लगे तो आप बाद में दोबारा और भी सॉस डाल सकते हैं। तो अब हम इसको जेंटली मिक्स करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से मिक्स ना करें वरना हमारी जो राइस है वो टूट जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बहुत ही धीरे धीरे इसको मिक्स कर रही हूँ इस तरीके से। अगर आप चाहो तो आप टॉस भी कर सकते हो, टॉस करना बहुत ही ईजी होता है, जिससे राइस और जितने भी सॉस होते हैं वेजीज होते हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो इस तरीके से बड़े ही आराम से आप इसको टॉस करें। टॉस करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो वेज फ्राइड राइस है वो हो गया है और ये कुक हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसके सर्विंग के प्रोसेस में। तो जैसा आप देख रहे हैं हमारा जो वेज फ्राइज राइस है वो तैयार हो गया है और ये देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल हैप्पी कुकिंग।